guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to another video. So as usual, हमारा आज का ब्लॉग भी गाड़ी में स्टार्ट हो रहा है हमेशा की तरह. Today I'm in गुड़गांव and in this video हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट. It is very very famous in गुड़गांव. बहुत ही अच्छा होम डेकोर फर्नीचर एंड यू सी अ लॉट ऑफ आइटम्स देयर. सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए. आई थिंक द लास्ट टाइम आई वेंट टू बंजारा मार्केट वॉज इन 2020, लॉकडाउन से जस्ट पहले. एंड 4 साल बाद मैं फिर से बंजारा मार्केट जा रही हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू रीडू माई हाउस बाय अ लॉट ऑफ क्यूट आइटम्स, पिंटरेस्टी आइटम्स. लेट्स गो. अपेरेंटली बंजारा मार्केट शिफ्ट हो गई है. करंटली इट इज इन सेक्टर 58 घाटा, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं. सो आई विल टेल यू द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बंजारा मार्केट इज सेक्टर 55-56. रैपिड मेट्रो चलती है. उसके लिए आपको सिकंदरपुर उतरना पड़ेगा, येलो लाइन से, एंड देन यू कैन टेक अ मेट्रो, रैपिड मेट्रो. वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. बस बहुत ही ज्यादा तपती धूप हो रही है यार, देख लो कितना बुरा हाल होने वाला है. बट लेट्स सी, आई होप कि हम कुछ अच्छा खरीद पाए. एक दिक्कत है, हमने कुछ भी कैश कैरी नहीं किया है, तो मैं पूरा उस पर डिपेंडेंट हूँ कि UPI चल जाएगा. सो गुड लक टू मी. ये रहा हमारा बंजारा मार्केट गुड़गांव. टर्न लेफ्ट ऑन टू बंजारा मार्केट रोड. इसको देखो, इसको तो नींद आ रही है अभी सो के उठ के आए हैं. और यहाँ से मार्केट शुरू हो गई है. पहली नजर पड़ते ही ये छोटी छोटी शॉप्स या स्टॉल्स दिखेंगे और जहाँ तक देखोगे वहाँ तक ऐसी शॉप्स दिखती रहेंगी. इट्स लिटरली अ जेम फॉर होम डेकोर लवर्स. बंजारा मार्केट. ओहो हो हो भाई, इतनी पूरी खाली दिख रही है मुझे इस टाइम. आई थिंक हम पहले कस्टमर्स हैं जो मार्केट में आए हैं. इतनी धूप में वैसे भी कोई मार्केट में नहीं आता. बट लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट. यहाँ आपको डेकोर के सारे आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे ये शॉप पे बोहो और पिंटरेस्टी वॉल हैंगिंग्स, पॉट होल्डर्स, बैग्स एंड इवन मिरर्स. इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वुडन फर्नीचर, क्वर्की डेकोर पीसेस और बहुत सुंदर सेरेमिक्स. और जो चीज़ें आपको स्टोर्स पे बहुत कॉस्टली पड़ती है, सेम आइटम्स आपको यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट पे पड़ जाएंगे. फर्नीचर की बात करें तो यहाँ पे टेबल्स, शेल्व्स, मिरर्स के बहुत वैरायटी मिल जाएगी. और हाँ, बार्गेन करना मत भूलना. कैब वाले ने हमें बाहर उतारा था यहाँ पे एंड मैंने थोड़े से प्राइसेस पता किए हैं, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है. अभी हम अंदर वाली साइड जाने वाले हैं. भाई इतनी तपती धूप हो रही है, पता नहीं क्यों आ गए हैं बंजारा. फीलिंग सो हॉट, बट चलो आ गए हैं तो देखते हैं वहाँ पे. तुम मानो या ना मानो, बंजारा मार्केट की तो बात ही अलग है. काफी वाइब्रेंट और कलरफुल है ये मार्केट. और मैं ये फर्नीचर वाली शॉप देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ टेबल एंड दिस इज हाउ इट वेंट. का सेट है 3500 रुपए. और अगर एक सिंगल लेनी हो बड़ी वाली तो? बड़े वाले सिंगल. सिंगल नहीं बिकेगी ऐसा क्यों भाई? चलो 2500 रुपए दे दे. नहीं नहीं, फिर तो क्या ही फायदा. नहीं तो मैं बहुत टाइम से अपने लिविंग रूम के लिए एक टेबल लेना चाह रही थी और मैंने ये बहुत ही सुंदर सा सेट ढूंढा है. और ये पूरा सेट आफ्टर डिस्काउंट मुझे इनकी दुकान से 2200 रुपए का पड़ा है. अभी मैं इसको पॉलिश करा रही हूँ और मैं आगे और शॉपिंग करने जा रही हूँ. ये एंड में उठाऊंगी जब घर जाना होगा. थैंक यू आंटी, आपने डिस्काउंट दे दिया सुबह सुबह मुझे. यहाँ से एंटर किया था और ये है इनकी दुकान B102. यहाँ से मैंने अपना फाइनल की है टेबल. देखो वहाँ पे उन्होंने टॉप हटा दिया है और दे आर एक्सचेंजिंग द मार्बल और पॉलिश करके रेडी करेंगे. तब तक हम आगे से घूम के आते हैं. ऐसे रस्टिक एंटीक शॉप्स पे ना आपको बहुत सारे लैम्प, स्टूल, डेकोर आइटम्स, पेंटिंग्स मिलेंगी, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और एक से बढ़ के एक फर्नीचर शॉप. बट देखते ही देखते मैं इस शॉप पे पहुंच गई जहाँ पे आपको ये राउंड मैट्स, कुछ डिजाइन वाले, कुछ सिंपल, अराउंड 150 रुपीज का पड़ेगा. ऐसी शॉप्स पे आपको डोर मैट्स, कुशंस, रग्स, कार्पेट्स मिल जाएंगे और वो भी इतनी वैरायटी ऑफ डिजाइन में और साइजेस में. मस्त है ना, तो आओ खुद ही देख लो. इसमें ये भी 4x6, ये भी 4x6, ये 5x5 है, 5x7. अरे कलर का 5x7 दिखाना, वो नीचे वाला. ये वाला दिखाओ, ये भी 5x7 है. हाँ दिखाओ. अच्छा ये बिल्कुल सिंपल हो गया है, बड़ी काफी बड़ा है. 5x7 ये ना थोड़ा ज्यादा मोटा और वैसा वाला है, जैसा मुझे चाहिए वैसा वाला नहीं है. ये है 750 रुपए का भैया बोल रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा सही रेट लग जाएगा इसका. कलर है इसमें, इसमें वाइट कलर है, अलग कलर है. दिस इज फॉर 3500 रुपीज. भाई ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर कितने के है? ये वाला 15 स्क्वायर का, 3 का सेट.
कोई सा भी नहीं था। अच्छा ये तीन का सेट 1500 का है और लास्ट क्या पड़ेगा ये? लास्ट में आप 1300 कर देना। 1300 700 भैया। डोरमैट्स भी यहाँ काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन्स में मिलते हैं। छोटे कॉटन या जूट डोरमैट्स जो आप अपनी एंट्री या किचन के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपको 200 से 500 रुपए के बीच में पड़ेंगे। और अगर आप अपने सोफे या काउच को एक स्टाइलिश टच देना चाहते हो तो यहाँ थ्रो ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है। इनका स्टार्टिंग प्राइस है 600 रुपीज। यहाँ आपको मिलेंगे स्टनिंग हैंडमेड रग्स एंड कार्पेट्स जो किसी भी रूम को कोजी और स्टाइलिश बना देते हैं। आपको यहाँ ये ऐसे छोटे डोरमैट्स मिल जाएंगे 200-300 रुपीज से स्टार्ट होते हुए, और बड़े एरिया के रग्स जो आप अपने लिविंग रूम या बेडरूम में डाल सकते हैं वो 1000-4000 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज। गर्मी हो रही है, भैया ने अपनी दुकान में ऐसे खाट बिछा रखी थी तो हम खाट पे आके बैठ गए और इधर पीछे कूलर की हवा खा रहे हैं। कितनी गर्मी है भाई। बार्गेन करने के बाद हमें ये दो सेट 300 रुपए में मिल गए और भैया ने थैली भी दे दी है उसको कवर करने के लिए। इस टाइम मार्केट में दिवाली के लिए काफ़ी सुंदर और स्टनिंग डेकोर आइटम्स मिल रहे थे, जैसे कि ये मोरक्कन हैंगिंग लैंटर्न जो सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा था। इस पे ये साल्सा ग्लास है, मेटल प्लेटेड है और ये लैंटर्न किसी भी कॉर्नर में लगाओगे एकदम फेस्टिव और वाइब्रेंट सी वाइब्स आती हैं। और अगर आप कुछ मॉडर्न स्टाइल में देख रहे हो तो ये मिरर टाइप के कैंडल या दिया होल्डर्स अवेलेबल है जो काफ़ी स्लीक और स्टाइलिश हैं। तो और अगर आपको सिर्फ दिया होल्डर्स चाहिए तो यहाँ पे ये ट्रे होल्डर्स देखे थे मैंने जो ये 600 रुपए के 3 ट्रे सेट्स मिल रहे थे। सिंगल ट्रे मिल रही थी 200 रुपीस की। अगर आप यूनिक और आर्टिस्टिक फ्लोर लैम्प्स ढूंढ रहे हो तो ये वुडन कार्व फ्लोर लैम्प्स मिस मत करना बिल्कुल। ये लैम्प्स काफ़ी ब्यूटीफुली हैंडक्राफ्टेड होते हैं, हर एक पीस में इतनी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। ये लैम्प्स 1500 से 3000 की रेंज में अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लासी और मॉडर्न लुक चाहिए तो ये मेटल स्टैंडिंग लैम्प्स भी हैं, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं। इन लैम्प्स का ये जो स्लीक मेटालिक फिनिश होता है, चाहे गोल्ड हो, ब्रास, मैट ब्लैक, काफ़ी सिंपल और एलिगेंट है। ये लैम्प्स 2000 से 5000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इनका मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। कोई भी होम डेकोर हो, मॉडर्न हो या ट्रेडिशनली, ये लैम्प्स हर जगह परफेक्टली ब्लेंड करते हैं। और अगर आप वॉल आर्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत सुंदर है। इनकी रेंज है 500-3000 रुपीस। एब्स्ट्रैक्ट से लेकर ट्रेडिशनल आर्ट तक यहाँ काफ़ी यूनिक पीसेज मिल जाएंगे। भाई बड़ी मुश्किल से जाके अब मैंने फाइनली लैम्प ले लिया है आंटी की दुकान से। क्या है आंटी आपका दुकान नंबर क्या है? अच्छा नहीं नहीं ले रहे हैं आंटी को, नहीं ले रहे हैं। बट ये वाला लैम्प पिक किया है 700 रुपये में। ये 200 रुपये का बड़ा है। टिप, अगर तुम सुबह के टाइम पे आओगे तो तुम्हें बोनी के नाम पे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। बंजारा मार्केट में बोल्स की कलेक्शन देखने लायक है भाई। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी इतनी सारी क्रॉकरी देख के। ये सुंदर प्रिंटेड बोल्स इतनी सारी वैरायटी में मिल रहे थे और इनका स्टार्टिंग प्राइस था 150 रुपीज़। और इसके सिवा आपको कप्स पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और सुंदर टच मिलेगा। ये 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे और इनका सेट आपको ओवरऑल डिस्काउंट में मिल जाएगा। और अगर आप सर्विंग बोल्स की तलाश में हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे 500 से 2000 की रेंज में। यहाँ पे इसके सिवा सर्विंग बोल्स, सॉसर, प्लेट्स और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यहाँ टी सेट्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कैंडल्स की भी इतनी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड टू बी इन बंजारा मार्केट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। यहाँ पे कैंडल्स, कैंडल सेट्स भी मिल रहे थे और उसके सिवा ये ग्लास होल्डर्स मिल रहे थे जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। कितने का है भैया ये? 900 रुपए का है ये। कोटिंग प्राइस 900 रुपए है इसका। यहाँ पे सर्विंग प्लेट्स बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और सुंदर लग रही थी। ये व्हाइट वाली तो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट थी। इसके साथ ये जो डिप्स के लिए छोटे छोटे बोल्स थे ये 100-100 रुपीज के मिल रहे थे। उसके सिवा आपको बाथरूम के लिए सोप डिस्पेंसर, सोप होल्डर या ब्रश होल्डर चाहिए तो ये भी मिल जाएंगे आपको। काफी पिंटरेस्टी और वैसे है भाई। ये कितने के हैं बड़े वाले? 400 रुपए। और ये कप वाले सेट्स? 200। यहाँ पे मिरर्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। सो इसको ये शीशा पसंद आया है। यहाँ पे हम दुकान पे आए, शीशे मिलते हैं यहाँ पे, गन्ने का जूस पी रहे हैं हम। तो ये काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। मेरे पास ये सेम है लाइट ब्राउन का जो मैं अपनी वीडियोस में बनाती हूँ। तो हम सोच रहे थे यही ऐसा कलर ले, बट अब हम इस पे आ रहे हैं। ये शीशा 3500 रुपए का बोल रहे थे भैया, बट 2500 में हम इसको फाइनल करने वाले हैं। तो मैं बस एक बार पीस चेक कर रही हूँ कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। भाई भारी है यार ये, बहुत कैसे लेके जाने वाले हैं हम इतना सारा सामान। बट द गुड पार्ट इज कि अगर अब आपको शीशे चाहिए तो इनके पास ये बॉक्सेस हैं कैरी करने के लिए। जब मैं 4 साल पहले खरीदने आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, जैसे शीशे लिया और गाड़ी में डाल के ले गए थे।
बट अब एटलीस्ट पैकेजिंग होगी और यहाँ पे इतने सारे क्यूट क्यूट चीजें हैं, बट मेरा घर इतना बड़ा नहीं है सामान लेने के लिए सब कुछ। ऑलमोस्ट शॉपिंग डन हो गई है, हमने अपना मिरर पिक कर लिया है। दिस इज शॉप नंबर A113 एंड अभी धूप थोड़ी सी कम हुई थी, बोलते ही धूप आ गई यार। अगर आप बोहो डेकोर और एक्सेसरीज के फ़ैन हैं तो यहाँ पे मैक्रोमे प्रोडक्ट्स आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करेंगे। ऐसे टोट बैग्स 200 से 500 की रेंज में मिल रहे थे, बहुत सारी वैरायटी में। यहाँ पे ये जो पॉट होल्डर्स है ये 8 से 12 इंच के पॉट्स के लिए परफेक्ट है और ये 200 से 800 के बीच में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैक्रोमे वॉल हैंगिंग मिरर्स भी काफ़ी सुंदर कलेक्शन में अवेलेबल हैं। ये सारे मिरर्स जो आप देख रहे हो ये 500 से 1500 की रेंज में थे। और फिर मुझे एक शॉप दिखी जहाँ मंदिर मिल रहे थे, मार्बल और वुडन दोनों में ऑप्शंस थे, तो मुझे ये मार्बल का मंदिर बहुत पसंद आया है। इसमें ये ड्रॉर्स थे साथ में जिसमें आप पूजा आइटम स्टोर कर सकते हो। इसका कोटिंग प्राइस 7000 था और लास्ट प्राइस 4000 बोला आंटी ने। इस शॉप पे एक ही कलर की मेटालिक क्रॉकरी देख के मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इसमें मतलब एक आइडियल डाइनिंग सेट था और अगर आप गिफ्टिंग के लिए कुछ यूनिक देख रहे हो तो ऐसे गिफ्ट आइटम्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सेरेमिक वेस्ट की काफी सुंदर और मिनिमलिस्टिक रेंज मिलती है। ये 200 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे छोटे टेबल डेकोर के लिए भी ऑप्शन है और आप बड़े वेस्ट भी ले सकते हो जो आप फ्लोर पे रख सकते हैं। दिस इज सो क्यूट। आई वॉज ऑनेस्टली अमेज्ड टू सी इतनी सारी शॉप्स पे क्रॉकरी मिल रही थी। हर जगह आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि मैं देखते देखते थक गई। इतने सुंदर प्लेट्स की कलेक्शन थी यहाँ पे, पेस्टल शेड, सॉलिड, प्रिंटेड सब कुछ मिल रहा था। इतने ऑप्शंस देख के आपको नहीं लगता कि सब कुछ ले लो, बट चॉइस करना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मुझे ये रिट्रैक्टेबल गार्डन फेंसेस भी मिली जो बैल्कनी या गार्डन एरियाज को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देते हैं। इनका प्राइस 600 से 1000 के बीच में था। यहाँ पे फेक लीव्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हर टाइप और कलर में अवेलेबल थे, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹100 जो सेंटर पीसेस के लिए परफेक्ट होते हैं। अगर आपको ग्रास सेट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे 200 से 500 की रेंज में। अगर आपको ड्रामेटिक डेकोर चाहिए तो यहाँ पे ये स्मॉल फाउंटेन्स भी अवेलेबल थे जो 1200 से 4000 की रेंज में मिलते हैं। और फाइनली इतनी तपती धूप में मेरी ऑलमोस्ट शॉपिंग डन हो गई थी, बट जाने से पहले मुझे एक ये सोफ़ा की शॉप दिखी जिसका मैंने प्राइस पता किया, उसने बोला 8000 रुपये और मैं चुपचाप घर चली गई। शॉपिंग हो गई है डन। अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और ऑलमोस्ट इट इज़ 3:30 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, बहुत तपती गर्मी हो रही है और अब घर जाने का टाइम आ गया। कैब बुक कर ली है फाइनली और ऊबर एक्सेल करनी पड़ी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे पास मिरर है और टेबल है। ये हमारी टेबल का टेबल टॉप है, मिरर है, ये है सामान और बाकी सामान उसके पास है। तो फाइनली गाड़ी में मैनेज कर लिया हमने सामान रखना। नाउ वी आर गोइंग होम।